बेटियों को सलाम अर्ज करता हूँ। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले, मुझे एक फूल मिला था डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब। उसके बाद विद इन अभी 2 मंथ से 3 मंथ से मेरे पास इतने फूल जमा हो गए कि एक गुलदस्ता बन गया। और गुलदस्ते की एक और ही बात होती है, हर तरह की खुशबू आती है। और मैं अल्लाह ताला का, जीसस का, गॉड का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज एक चीज देखी है, हमारे जो कह सकते हैं कि टीम है, हमारे अंदर मजहब की कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग इंसानियत को फॉलो करते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं, हिंदू आए, मसीही आए, कोई भी आए, हम उसका ख्याल करते हैं। बड़ी खूबसूरत तरीके से प्रियान साहब ने बयान किया है। यकीनन ये चीज़ें जो है खुदा की तरफ से नेमत हैं कि हम जब इकट्ठे होते हैं तो मोहब्बत बांटते हैं। तो ये डॉक्टर साहब जान जितने भी हमारे पास आए हैं, साइंस साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, उन्होंने साइंस साहब ने ये टीम बनाकर प्रदेश साहब ने और सारे हम तक पहुँचे हैं। यकीनन ये हमें तो बड़ी इस बात की खुशी है और हम इस बात में बड़े और इत्मीनान हैं कि आइंदा भी यहाँ पे ऐसे कैंप्स हैं वो होते रहेंगे। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हमें रहता है। तो हम जब ये चीज़ें लेके निकलते हैं तो ये मोहब्बत बांटने का कबारे सबूत है कि डॉक्टर साहबान ने और सारी टीम ने मिलकर उन लोगों को जो बड़ी महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या बड़े बड़े डॉक्टर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अपने क्लिनिक्स में बैठे होते हैं, ये अपने क्लिनिक्स छोड़कर अपने वो अच्छे अच्छे सेटअप जो है छोड़कर पूरा दिन जो है आज इन्होंने यहाँ पे गुजारा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का जिन्होंने मौका दिया मेरे खिदमत का। दूसरा परवेज अख्तर कल्याण साहब जो बानी हैं इस अदारे के, परवाज फाउंडेशन के, उनका शुक्रिया। मैं जिनके साथ 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का मौका मुझे दे रहे हैं। हर जगह कैंप होते हैं मगर आज के कैंप के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि हर किस्म के मरीज तो थे ही थे, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे दुखी किया वो ये है कि आज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं बड़ा इस बात का डंका बजाते हैं जी पाकिस्तान जी तो पाकिस्तान वो, पाकिस्तान के अंदर इतनी गरीबी देख के आज ऐसे पेशेंट थे जिनके पास बेचारे के पास 20 रुपये पर्ची के नहीं थे, तो ये मेरे लिए दिल दुखा देने वाली बात है। उनको हमने अकोमोडेट तो किया मगर ये एक कोना है और एक छोटा सा इलाका है, और इसी तरह पता नहीं कितने पसमानदा इलाके होंगे जहाँ पे ये सिचुएशन होगी। तो मेरे बड़े दुखी दिल से आज दुख हुआ मुझे। बहरहाल शुक्रगुजार हूँ हमारी इस टीम का कि जिन्होंने मौका दिया और ऐसी खिदमत हम इंशाल्लाह ताला याद करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साइमन अकबर साहब का और बाजी साहब खड़े हैं उनका, डॉक्टर परवेज कल्याण साहब का, कि डॉक्टर साइमन साहब ने हमें इतना अच्छा वेलकम किया है कि मेरा नहीं करके किसी कैंप में हमें इस तरह किया गया हो। क्योंकि बाकी हमारे दिल में सिर्फ गरीबों के लिए, पेशेंट्स के लिए हमारे लिए हमदर्दी होती है, ठीक है। इसमें कोई मज़हब की कैद नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और हम परवेज साहब के साथ पहले भी कैंप करते हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और जहाँ पर मैंने देखा कि पेशेंट काफ़ी बेचारे जो है ना वो थोड़े से पुअर किस्म के थे, वो बाकी हम सब ने उनके साथ बड़ा अच्छा तआवुन किया है और मेडिसिन भी उनको अच्छी दी है जहाँ तक हमारी पहुँच थी। और बाकी इंशाल्लाह हम आइंदा भी उनके लिए इस तरह के जो ना वो कैंप वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हाफिज वहीद अशरफ है। आज तो बहुत अच्छा लगा कैंप करने का। मैं सबसे थैंकफुल टू जो परवेज अख्तर कल्याण साहब का जो कि सारी कोशिश कर रहे हैं इन गरीबों की मदद करने की, और जैसे जैसे जितनी देर हम लोग इनके साथ हैं दुआ है कि हमारी हम लोग हमेशा इनके साथ रहें, जब तक रहेंगे इन पसमानदा इलाकों में जो गरीब तबका है अवाम का इनकी खिदमत करते रहेंगे। मेरा नाम मिसेस फरजाना साइमन है और हमारे पास इस जो मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप की टीम थी इनके लिए हमारे पास एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है जो हम इन सबको देना चाहते हैं। और मैं इन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से, कि ये लोग यहाँ पे जो गरीब लोग थे उनके लिए आए, जो
इतनी अच्छी मेडिसिन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लोग जो है उन्हें पता भी नहीं होता कि वो दिन ब दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों में, एक बीमारी से मज़ीद बीमारियों में घिरते चले जाते हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना पेन लिया और ये हमारे दरमियान आए, और मैं परवेज साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर हुसैन साहब की और सारी टीम की, और ये सारे लोग जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। एक शेर है कि इतने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुखों की हुआ करे कोई, और वो जो है वो मसीहा के अलावा कोई नहीं हो सकता, और कहा जाता है कि जो डॉक्टर होता है वो मसीहा ही होता है। मैं दिल से तमाम डॉक्टर्स की कदर करती हूँ, वो जहाँ जहाँ भी हैं, और पाक आर्मी की भी, और मैं फिर से इन लोगों के दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद इन सबके साथ हो, और हमारी तरफ से इस सारी टीम के लिए छोटा सा टोकन ऑफ लव। जी, ये पहला गिफ्ट परवेज साहब आपके लिए है, गॉड ब्लेस यू, और इसको आप कबूल फरमाइएगा। आपके लिए है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि हमारी जिंदगी में ये मौका दिया कि हम तेरे हजूर आ सकें। बेशक हम इंसान होते हुए बहुत कमज़ोर हैं, बहुत सारी खताएँ करते हैं, लेकिन तू ही मुआफ़ करने वाला खुदा है। हमारी खताओं और कमज़ोरियों के बायस कई बार हम कई मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन जब भी हम तेरे हजूर आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तुम्हें माफ़ फरमाता है। आज के कोरोना सारे प्रोग्राम के लिए, फ्री मेडिकल कैंप के लिए, मैं प्रवेश साहब का दुआ को हूँ खुदा, जिसको अपने बंदे को बड़ी तौफीक बख्शी कि वो सारे प्रोजेक्ट चल सकें। इसके साथ मैं तमाम डॉक्टर्स के लिए नाम बनाम डॉक्टर्स को तेरे पाक हाथ में देता हूँ। इनके सफ़र को तुझे मुबारक किया, इनको सही सही यहाँ पहुँचाया, हर किस्म के एक्सीडेंट से, नागरी आफत से, नागरी मौत से उनको महफूज रखा, ताकि तेरे लोग तेरे लोगों के लिए भरपूर तरीके से मेहनत करके काम कर सकें। इनको बड़ी हिकमत अमली देना, ताकि बड़ी हिकमत के साथ जब ये आज कैंप करते हैं तो बहुत से पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं वो सेहत या भुग जाए। इनकी सारी हिकमत अमली को तू जानता है, तेरा खुदा अपना हाथ बढ़ के इनको छूले। आज के सारे कैंप के प्रोग्राम को, सारे इंतजाम को तेरे पाक हाथ में दे देते हैं। आज खास तेरे बंदा को, तेरे डॉक्टर को पहला खुदाऊँ, डॉक्टर मोहम्मद हसैन को पहला खुदाऊँ, तेरे पाक हाथ में देता हूँ। उनके सारे आम प्रॉब्लम को अभी से पहला खुदाऊँ, पाक हाथ में देता हूँ। तूने अपना खाता बना के छोड़ा है पहला खुदाऊँ, ताकि मैं तुझसे मेहनत करूँ, और जब मैं अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता हूँ तो मेरी दुआ को सुनता है और तू जवाब देता है पहला खुदाऊँ। आज अभी इस वक्त तमाम डॉक्टर्स को, तमाम पेशेंट्स को जो यहाँ पे आते हैं, जो भी मर्ज है तेरे नाम से उनके जिंदगियों से वो मर्ज जाते रहे तेरा खुदा। से बड़े खुदा आज हम फलस्तीन के लिए, इसराइल के लिए तेरा खुदा, वो जो जंग वहां पे लगी हुई है तेरा खुदा, तो अपना हाथ बढ़ा के छू उनको और उनके दरमियान में अमन और आस्ती, सुलह और अमन पैदा कर दे, ताकि तेरा खुदा ये तबाही जो तेरे लोगों के दरमियान होती है तेरा खुदा कभी ना हो सके, उनके अंदर अमन सुलह पैदा कर दे। आज हम शुरू से लेकर कैंप के आखिर तक तुम्हारी बड़ी मदद और सहायता करना, ताकि जितनी भी एक्टिविटीज करें वो तुझे मंजूर मकबूल करें। ये सब कुछ मांग तेरे पाक नाम में, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी राज्य जैसे आसमान पर हो, तेरी जमीन पर हो, हर रोज की रोटी आज हमें दे, और हमें माफ कर मेरे बेशर्म ऐसे बच्चा के बादशाह की कुदरत पर चला हमेशा तेरे नाम, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत, शराकत इस हाजिर जमात पर, तमाम डॉक्टर्स पर, तमाम पेशेंट्स पर और तमाम अहले ईमान पर आप से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।